नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कैबिनेट के दौर की बैठक के दौरान बातचीत तक नहीं हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चंदन। देखिए ये कैबिनेट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था और शॉर्ट टाइम में तीन मुद्दे थे जिस पर कि सहमति होनी थी और वो हो गया। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए थे तेजस्वी यादव, दोनों के बीच में दूरियां साफ दिख गई। वजह ये थी कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल कर्पूरी ठाकुर के जयंती के समारोह में लालू परिवार पर निशाना साधा था, उसको लेकर के लालू परिवार लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ थी और यही वजह था कि रोहिणी आचार्या ने आज पहले नीतीश कुमार के खिलाफ ट्वीट किया और ये चार ट्वीट थे और ये चारों ट्वीट बाद में हटा लिए गए, लेकिन नीतीश कुमार ने इन सारे ट्वीट को प्रिंट करा के अपने पास ले लिया और उस पर वो मंथन भी करना शुरू कर दिए कि आखिर लालू परिवार चाहता क्या है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है चंदन कि नीतीश कुमार डिसीसिव आदमी है, वो निर्णायक क्षमता रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, देखना है कि इस बार उन्होंने क्या निर्णय लिया है, ये आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। रवि, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने की बात सामने आ रही है, पूर्णिया में स्वागत नहीं करेंगे नीतीश कुमार। ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार एक के बाद एक हमले झेल रही है। पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने और अब नीतीश कुमार ने झटका दे दिया है। अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल तक जो राहुल गांधी मुखर थे हेमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ, आज वो कुछ नहीं बोल पाए हैं ममता के खिलाफ, जबकि पता है कि ममता बनर्जी के राज्य में उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनका पूरा रूट चेंज किया जा रहा है। उसी तरह बिहार में अब क्या होगा, बिहार में एंट्री से पहले ही नीतीश कुमार में दो नेता, हमारे पास खबर ये है कि कांग्रेस के दो नेता जो इन्विटेशन देने गए थे उनको घर में एंट्री नहीं करने दिया गया है। ठीक है।